Hello guys, welcome to my channel. In this video you will learn something new and something interesting about crop production and management. It's first chapter of science textbook of 8th class. So आपके घर पे आटा आता होगा या फिर आपने आटे को ग्रेन फॉर्म में देख रखा होगा या उसको पीसे हुए फॉर्म में मतलब फ्लोर के फॉर्म में देख रखा, बट उससे पहले जो स्टेप्स होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आदिवासी और रहते थे वो खाने की तलाश में रहते थे, मतलब उनका एक पर्टिकुलर हाउस नहीं था, वो एक जगह नहीं रहते थे और वो अपनी जो कंडीशन क्लाइमेट कंडीशन है उस दौरान भी वो अपनी प्लेसेस को चेंज करते थे। ठीक है, पहले जहाँ पर उनको खाना मिल गया वहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, ये तो पहले तक था। उसके बाद उनने जैसे ही देखा कि ऐसे उनको फिर पता चल गया कि क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं। उसके बाद जब ग्रोथ इनको पता चली कि ऐसे करते हैं, ये स्टेप्स होते हैं, ये सब होता है, उनने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। इससे वो आदिवासी कन्वर्ट हो गए हैं एक फार्मर में। ठीक है, अब उनको फार्मिंग करनी आ गई तो वो कोई घर नहीं चेंज करता है, एक ही जगह उनका होम होता है, पास में एक फील्ड होगा उसमें वो ग्रो करेंगे उनके प्लांट्स क्रॉप्स और जो भी उनको ग्रो होंगे। अब इससे वो एक फील्ड पूरे उनके विलेज या फिर जितने भी लोग होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, इससे था ये कन्वर्जन था, एक आदिवासी कन्वर्ट हो गया एक फार्मर में। और ये सारे प्रोसेस अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई स्टार्ट दिस वीडियो विद अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट माय फादर टेल्स मी हाउ टू ग्रो अ क्रॉप। ही लव्स टू ग्रो क्रॉप एज वी हैव अ गार्डन और अ ग्रेन यार्ड अराउंड माय हाउस। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट ही टेल्स मी टू स्टार्ट और टू कल्टिवेट अ क्रॉप दैट ही सेज टू प्रिपेयर द सॉइल। इन दैट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ही टेल्स दैट टू यूज अ खुरपी एंड टेक द ग्राउंड सॉइल टू द अपर साइड ऑफ द अर्थ मीन्स ऑफ द फील्ड दैट सॉइल कैन कैप्चर द एयर। ओके, देन ही हैज जस्ट डू दिस प्रोसेस विद द होल फील्ड। देन ही टेल्स मी टू सो दी सीड्स, सो दी सीड शुड बी सोन एट अ पर्टिकुलर डेप्थ सो दैट इफ़ यू पुट दी सीड्स अबव द सॉइल मतलब ऊपर आप रखोगे तो कोई बर्ड खा जाएगी, या फिर एकदम नीचे डालोगे तो आप एकदम नीचे सॉइल के डालोगे तो उधर उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाएगा, मतलब उसको ना कोई नाइट्रोजन मिलेगा और ना उसको कुछ और चीज़ें मिलेगी उसको ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड द थर्ड थिंग दैट ही टेल्स मी दैट टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू ग्रो अ प्लांट। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर मैन्योर ऑर्गेनिक एंड फर्टिलाइजर इज इनऑर्गेनिक और मेड इन फैक्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, बट मैन्योर इज ऑर्गेनिक एंड द वेस्ट मटीरियल्स दैट लेफ्ट मीन्स जो कचरे और रह जाते हैं उनको डिकम्पोज करके जो बनाया जाता है उसको मैन्योर कहते हैं। ठीक है, वो मैन्योर हो गया और फर्टिलाइजर के बारे में अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, द फोर्थ थिंग्स दैट ही टेल्स मी फोर्थ फोर थिंग दैट ही टेल्स मी दैट टू इरीगेशन दैट टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन हैज डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स एंड द टू टाइप्स यू विल स्टडी इन अदर स्लाइड्स। सो द फिफ्थ थिंग दैट सी टेल्स मी टू रिमूव द वीड्स। वीड्स आर अनवॉन्टेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स ऑन अ फील्ड दैट यूज the नाइट्रोजन और the न्यूट्रिएंट्स दैट इज प्रोवाइड टू अ प्लांट नॉट टू वीड्स। ठीक है, उनको निकालना जरूरी है, अगर उनको नहीं निकाला तो वो आपका जो प्लांट है या वो ट्री है वो उसको डैमेज कर देगा। एक डैमेज हुई तो पूरी फील्ड आपकी ख़राब हो जाएगी, मतलब पूरी फील्ड आपकी डैमेज हो जाएगी। दिस सिक्स थिंग दैट ही टेल्स मी टू हार्वेस्ट। हार्वेस्ट में ये होता है कि
एक सिक्कल मतलब कुछ सी टाइप से ऐसा एक टूल होता है जिसको यूज़ करा जाता है, और नीचे उसके एक वुड टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, वो अपन आगे की स्लाइड्स में भी उसको देखेंगे। तो उससे वो ग्राउंड से कट कर लेता था, मतलब ग्राउंड से सेपरेट कर लेता है, करते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। एंड दी लास्ट थिंग दैट ही टेल्स मी टू डू दी थ्रशिंग। थ्रशिंग में होता है कि हस्क और ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं। हस्क होता है जो वो स्टेम्स ही होती है ना जिसपे ग्रो करते हैं वीड्स, और जो सीड्स होते हैं जो ग्रो करते हैं वो होता है यह थ्रशिंग, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप्स है, जो इतने सारे प्रोसेस करने के बाद जो होता है वो होता है स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज भी दो टाइप्स में होता है, मतलब एक अगर आप किसी हॉल टाइप में कर रहे हो तो उसमें अलग चीज़ें यूज़ होगी, मतलब हॉल में यूज़ कर रहे हो तो आपको बड़े बड़े चीज़ें बड़े बड़े कंटेनर्स की हेल्प चाहिए होगी। अगर आप किसी रूम या फिर किसी छोटे से रूम में अगर कर रहे हो तो आप जूट बैग्स या फिर मेटल कंटेनर्स का हेल्प लोगे, ठीक है। ये थे थोड़े बहुत मैंने आपको बता दिए कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि मेरे पापा ने मुझे ये बताया था, ठीक है। आगे की स्लाइड्स में अपन पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती है खरीफ और रबी, ठीक है। खरीफ होती है जो विंटर सीजन्स में ग्रो करती है। क्यों करती है वो विंटर सीजन्स में ग्रो? क्योंकि वो जो प्लांट्स होते हैं उनको वाटर ज़्यादा चाहिए होता है, उनको वाटर इतना चाहिए होता है कि वो अपन समर या फिर विंटर सीजन में नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो वो रेनी सीजन्स होता है, खरीफ रेनी सीजन्स में ग्रो करता है, और ये जून टू सितंबर ग्रो करता है। इसके एग्जांपल्स ये रहे, पैडी होता है राइस, ठीक है, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, ग्रीन ग्राम। तब रबी की बात करते हैं, रबी होता है ये विंटर सीजन्स में ग्रो होता है, ठीक है। इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हो गए वीट, ग्राम, मस्टर्ड, लाइन सीड्स होते हैं अलसी के बीज, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब अपन पढ़ेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे जो स्टेप्स, वो अपन इधर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, उससे पहले आप पिक्चर्स देख लो कि आप जिससे आप जिससे आप समझ सको कि ये हैं। और पिक्चर्स से मुझे तो ज़्यादा याद होता है, आपको पता नहीं कैसे होगा, बट मुझे पिक्चर्स होते तो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये है कॉटन, सोयाबीन, मेज एंड राइस, और यू कैन से पैडी। सो नेक्स्ट इज ऑफ रबी क्रॉप्स इज वीट, ग्राम, पी इज अ लेग्यूमिनस प्लांट, ओके। एंड व्हाट इज लेग्यूमिनस प्लांट्स, दैट आई विल टोल्ड यू इन नेक्स्ट स्लाइड्स। मस्टर्ड एंड लाइन सीड बताया था, अलसी के बीज होते हैं। तो अब अपन चलते हैं आगे स्टेप्स ऑफ फार्मिंग पे। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गई, ये सोइंग है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, वीडिंग्स, हार्वेस्टिंग, थ्रशिंग एंड स्टोरेज। ये हैं इतने स्टेप्स, ये टोटल 8 स्टेप्स हैं जो आपको रिमेंबर करने ही होंगे। इनके अलावा आपकी जो चैप्टर है ना वो फीका सा लगेगा, ठीक है। तो अपन इनको पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मैंने आपको बताया था कि वो एक तो सॉइल लूजन होता है और जो ग्राउंड सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। और इसमें लूजन करने के लिए, लूजन जो होता है, लूजन अपन मतलब सॉफ्ट हो जाती है ना वो सॉइल, तो सॉफ्ट होने से अर्थवर्म और माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, मतलब उनका ऊपर आने स्टार्ट कर देते हैं। और माइक्रोब्स और ये अर्थवर्म्स फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं सोइंग ऑफ सीड्स में सीड शो कर जाते हैं एट अ पर्टिकुलर डेप्थ। अगर आप उसको ऊपर ही ऊपर कर दोगे तो मैंने बताया था क्या, फिर चिड़िया लेकर चली जाएगी। और अगर बहुत ही नीचे करोगे तो उसके पास अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अवेलेबिलिटी किसकी कम होगी? एक तो उसको वाटर सही से नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं रीच करेगी नीचे, और मॉइस्चर नहीं मिलेगा उसको।
ठीक है, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मैंने बताया था सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और एक ये वीडिंग होता है, इरिगेशन भी होता है। मतलब सारे पॉइंट ही ऐसे इम्पॉर्टेंट है, बट जो तीन स्टेप्स होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन, या फिर जैसे फर्टिलाइजर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पे बने होते हैं, जैसे एनपीके ले लो, एनपीके सिर्फ नाइट्रोजन पे बना होगा। ठीक है, मतलब जो प्लांट्स को कमी होती है उस चीज़ की, वो सिर्फ उस पे बेस्ड होते हैं। मैन्योर ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में बने होते हैं, मतलब मैन्योर में आपको सारी न्यूट्रिएंट्स में हेल्प कर देता है। और इसको ग्रो, इसको डालने से प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इसको तो ग्रो ही करेगा, और सही मतलब ग्रो के लिए हेल्प, ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। इरीगेशन, इरीगेशन बताया था मैंने आपको कि इरीगेशन यूज़ होता है प्लांट्स को वाटर सप्लाई करने के लिए, और वाटर सप्लाई होता है दो टाइप्स में, एक होता है स्प्रिंकलर और एक होता है ड्रिप सिस्टम। ये दो सिस्टम आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखोगे कि क्या रोल होता है और कैसे ये यूज़ होता है। तो इरीगेशन में तो सिर्फ और सिर्फ पानी दिया जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स को चाहिए होता है। ठीक है, फिर है वीडिंग्स। वीडिंग्स बताया था अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं जो फील्ड पे ग्रो करे जाते हैं, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको नहीं हटाएंगे तो आपके क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे। फिर है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में बताया था कि एक सिकल टाइप का एक टूल होता है जिससे हेल्प करते हैं, जिससे जो आपकी क्रॉप है उसको काटा जाता है, फसल को काटा जाता है सिकल की हेल्प से। ठीक है, और उसके बाद थ्रेशिंग में होता है, थ्रेशिंग में या फिर जो फार्मर्स होता है वो क्रॉप को, जैसे यहाँ पे बंडल है ना क्रॉप्स का, उनको लेते हैं और ग्राउंड पे ऐसे मारते हैं। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल वे है। ठीक है, या फिर ये सीड ड्रिल्स और की हेल्प से, सॉरी सीड ड्रिल्स हार्वेस्टिंग में आता है, इसमें कंबाइन थ्रेशर यूज़ होता है, जिससे एक तो क्रॉप्स भी जड़ से निकाले जाते हैं और उस, और ये जो सीड्स होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर है स्टोरेज। स्टोरेज बताया था कि इतने सारे स्टेप्स के बाद जो लास्ट में होता है, जो फार्मर को अच्छी तरह से करना चाहिए, अच्छी तरह से उसको अपने ग्रेन्स को रखना चाहिए, अगर वो नहीं रखेगा फार्मर तो उसके ग्रेन्स डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, ये स्टोरेज होता है। स्टोरेज के बारे में अपन और भी पढ़ेंगे अगली स्लाइड्स में अपने। ठीक है, अगली स्लाइड्स पे चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।